आमिर, पिछले एक डेढ़ साल में जितने सुपरस्टार्स हैं, सो कॉल्ड एलियस स्टार्स, सभी लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है. सलमान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, और सभी ने कॉमेडी पुलिस कॉमेडी का पुट रहा है जी. अब आपका ये सीरियस इंस्पेक्टर उन सब कॉमिक इंस्पेक्टर्स को कैसे कॉम्पीट करेगा? एक्चुअली आई डोंट थिंक हम लोग या मैं उनके साथ कम्पीट कर रहा हूँ. ये सारी फिल्में जो हैं बहुत ही कामयाब फिल्में हैं जो जिसमें अजय और सलमान और अक्षय ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है. और ये थोड़ी अलग हटके हैं. इसमें जो मेरा किरदार है वो इतना रंगीन नहीं है जैसे चुलबुल पांडे का था दबंग में, या तो वो खुद अपने अतीत के साथ अपने जज्बातों के साथ जूझ रहा है. और ये आउट एंड आउट एंटरटेनर जो फिल्में होती हैं उस किस्म की फिल्म नहीं है. हालांकि मेरे हिसाब से बहुत ही एंटरटेनिंग है एक अलग तरीके से. इसमें कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत अरसे के बाद एक सस्पेंस ड्रामा फिल्म आ रही है. तो मुझे बड़ी पसंद है. देखते हो क्या लगता है इस फिल्म में करीना और रानी दोनों में से बेहतर एक्टिंग किसने की है? मुझे लगता है कि ये सवाल आप पहले भी कई दफा मुझे पूछा गया कि कौन सी हीरोइन मेरी फेवरेट है, या रानी से पूछा गया कि कौन से खान उनके फेवरेट हैं. तो इसका कोई जवाब नहीं है. अगर मैं सच्चे दिल से कहूं तो जब मैं आज फिल्म को देखता हूं तो मुझे लगता नहीं कि रानी के रोल में और कोई फिट होता है या कोई कर पाता. और इसी तरह करीना के रोल में और कोई मेरे जहन में नहीं आता जो इतना अच्छी तरह से ये दोनों कैरेक्टर्स जिन्होंने इतने अच्छी तरह से किया जी.